एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन में हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाए हैं फिजिक्स क्लास। यह क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और साथ ही साथ JEE या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से यह क्लास यूज़फुल है। उम्मीद है पिछले दिनों से चली आ रही ऑनलाइन क्लास का आप भरपूर एंजॉय कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। फिजिक्स में सिर्फ क्वेश्चन लर्न करना सफिशिएंट नहीं होता है, बल्कि हर उस स्टूडेंट्स को फिजिक्स में डीप नॉलेज के लिए हर क्वेश्चन के साथ में क्या क्यों कैसे जरूर सोचने चाहिए और अपने मन में थॉट्स बनाने चाहिए, लॉजिक बनाने चाहिए और उनके साथ में ही हमें अपनी स्टडी बेहतर ढंग से आगे बढ़ानी चाहिए। क्योंकि आप रट करके एक निश्चित लेवल तक मार्क्स तो ला सकते हैं, लेकिन अगर बात कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आ जाएगी तो आप बहुत पीछे दिखाई देंगे। अगर आपको बहुत आगे आना है, कोई भी कॉम्पिटिशन फेस करना है या 12th क्लास में बहुत अच्छा परसेंट बनाना है तो आपको फिजिक्स याद करने की आदत साइड में करनी पड़ेगी और हमें लॉजिक बेस्ड फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और अपने लॉजिक अपने माइंड में चलाइए। और अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा है क्लियर नहीं हो रहा है, कोई डाउट्स बन रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट लिख करके जरूर भेजें, उस डाउट्स को हम जरूर क्लियर करेंगे। एक बात और, क्लास आप अटेंड करें, अटेंड करना ही सफिशियंट नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ गया ये भी सब कुछ नहीं है, आपको हर पॉइंट क्लियर है ये भी सफिशियंट नहीं है। जब तक आप कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक कि आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर्ड किया है वह आप बिना किसी स्ट्रेस के अपना फ्री माइंड रख करके उसको ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करके देखें, चेक करें जैसे आपको एग्ज़ाम में करना हो, और ऐसा करने पर अगर आपको लगता है कि हाँ आपसे बेहतर ढंग से क्वेश्चन बन पा रहा है तो निश्चित रूप में आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए बैकअप मेथड का प्रयोग जरूर करिए। बैकअप मेथड से तात्पर्य यह है कि आज जो हमने पढ़ लिया वह हमसे बनता है, लेकिन अगर हम 30 डेज है वो बिफोर वाली क्लास में जाते हैं और फिर सोचते हैं क्या वो हमसे बन रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि जरा एक पन्ने पलटा लें, थोड़ा देख लें, इसके बाद हम कर पाएंगे तो बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ा हम मिसिंग हो जाएगी, ये तो रटने जैसा ही कहलाएगा। इसलिए आपको जो पिछला आपने पढ़ लिया है एक टाइम शेड्यूल ऐसा बनाइए जिसमें कि पिछला वाला रिवाइज जरूर करिए और जो करेंट में आपका सिलेबस चल रहा है उसको डेली का डेली कंप्लीट करिए। फिजिक्स की बात अगर करें तो पिछले दिनों आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज मैग्नेट एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, साथ ही साथ आपने कूलम्स ला और कूलम्स ला बेस पर यूनिट नॉर्थ पोल की डेफिनेशन भी देखी और ये सब बेहतर ढंग से पढ़ा आपने। फिजिक्स तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक आपको न्यूमेरिकल का नॉलेज ना हो जाए।
अगर आप फिजिक्स में कंप्लीट अपने आप को पूर्ण समझते हैं कि हाँ मेरे से फिजिक्स बनती है, तो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पढ़ के आपकी फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो सकती है, आपको उसके लिए न्यूमेरिकल में जरूर जाना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल में जाएं उसकी बहुत डेप्थ है, आप कितनी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में डेप्थ आपकी नहीं है तो निश्चित रूप में कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी भी आप फ्लॉप हो सकते हैं। इसलिए आज हम आप लोगों को बार मैग्नेट बेस्ड न्यूमेरिकल लेके आए हैं और आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल रख रहे हैं। जैसा न्यूमेरिकल यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, वैसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आप लोग घर में इसको समझने के बाद सॉल्व करिए और देखिए बन रहा या नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन। 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो MP बोर्ड का हो चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, यूज़फुल है। साथ ही साथ आप JEE जैसे और भी जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं उनमें भी इसका यूज बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज 31.4 सेंटीमीटर एंड इट्स पुल स्ट्रेंथ इज 0.5 एम्पियर इनटू मीटर। कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। इसमें आपको लगेगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो, लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। इसमें हमने फोर कंडीशन ली, फोर कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है आपको, किसका, कंप्लीट बार मैग्नेट का, जो आपको गिवन बार मैग्नेट है दिया गया, दंड चुंबक है। दोनों मीडियम वालों के लिए क्लास है, इसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स रहते हैं इसलिए इसमें हिंदी वालों का भी ध्यान रखना होगा, और इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ ही सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी, केस फर्स्ट होगा कंप्लीट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट हमें फाइंड करना है। सेकंड है मैग्नेट वर्टिकली डिवाइडेड इन इक्वल टू पार्ट्स। थर्ड है मैग्नेट हॉरिजेंटली डिवाइडेड इन इक्वल टू पार्ट्स। और फोर्थ है मैग्नेट बेंड इन फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। मतलब इस क्वेश्चन को फोर कंडीशन में सॉल्व करना है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल अगर आपको सीखना है, अच्छे से करना है, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत बेहतर ढंग से आप सॉल्व कर पाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आपने किया वही एग्जाम में आ जाएगा, कोई दूसरा आ सकता है, तो एक ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए, एक ऐसी मेथड होनी चाहिए जिसका यूज करके आप चाहे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैपेसिटी ले आए। हम अपनी क्लास में आप लोगों को ऐसी मेथड के बारे में हम बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल करना है तो फर्स्ट रूल बनाइए उसका, जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल उसको आप बहुत आराम से एक बार रीड करिए। स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, बाद में फिर जल्दी जल्दी समझ में आएगा, अभी फर्स्ट स्टेज में हम जो बात बता रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, दोबारा उसको थोड़ा आराम से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। अब थर्ड टाइम में उस क्वेश्चन को क्या करिए, पढ़िए और साथ ही साथ उसमें जो न्यूमेरिक वैल्यूज दी गई हैं, जितने भी आंकिक मान दिए गए हैं, उन सभी मानों को फिजिक्स के नोटेशन में राइट करिए। मतलब उसमें जो संख्यात्मक मान दिए गए हैं उनको फिजिक्स के नोटेशन में, सिंबॉलिक में लिखिए क्या क्या गिवन है, और लास्ट में फिर लिखिए कि क्या फाइंड करना है, मतलब क्या पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इसको और आप लोग ध्यान से सुनो। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज 31.4 सेंटीमीटर एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इज 0.5 एम्पियर इनटू मीटर, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मूमेंट। क्वेश्चन है हिंदी में, किसी चुंबक, यहाँ चुंबक से मतलब दंड चुंबक से है, किसी दंड चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 31.4 सेंटीमीटर है और इसकी ध्रुव प्रबलता 0.5 एम्पियर इंटू मीटर है। अब हमें क्या ज्ञात करने हैं? फर्स्ट में है, हमें ज्ञात करना है मैग्नेटिक मूवमेंट, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन है कंप्लीट बार मैग्नेट का, मतलब दंड चुंबक, पूरे दंड चुंबक का जो हमें दिया गया है उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। सेकंड है, अगर इस चुंबक को मैग्नेट वर्टिकली डिवाइडेड इन इक्वल टू पार्ट, अगर चुंबक को क्या कर दिया जाए, ऊर्ध्वाधर दो भाग में काट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा। थर्ड है मैग्नेटिक हॉरिजेंटली डिवाइडेड इन इक्वल टू पार्ट, इसे क्षैतिज रूप में दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। और थर्ड है अगर मैग्नेट को, ये देखिए मैग्नेट को मोड़ करके सेमी सर्कल बना दिया जाए तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। ये देखिए ये मैग्नेट है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में इस पूरे मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है, वेरी इजी, बहुत सिंपल है ये। सेकंड है इसको वर्टिकली ये रखा हुआ है, अब इसको क्या कर दें, वर्टिकली ऐसा करके टू पार्ट में डिवाइड कर दें, ऐसा टू पार्ट में डिवाइड कर दें, टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ईच पार्ट का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। और थर्ड में क्या होगा, इसको ऐसा करके, ये देखिए ऐसा यहां से ये इस प्रकार से ऐसा डिवाइड कर दिया जाए टू पार्ट में तो ईच पार्ट का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। और फोर्थ में इसको मोड़ करके बेंड करके सेमी सर्कल बना दिया जाए तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा गया, समझा गया, अब इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू हम लिखते हैं, किसकी है, लिखा हुआ है इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, इसको फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये देखिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन, यहाँ गिवन लिखना होगा, गिवन इफेक्टिव लेंथ means 2L is equal to 31.4 centimeter. इसके बाद पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्रबलता M is equal to 0.5 एम्पियर into मीटर। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये बात ये है जो गिवन क्वांटिटीज हैं, दी गई भौतिक राशियां हैं, वे सभी भौतिक राशियां एक ही पद्धति में होना चाहिए, एक ही सिस्टम में होना चाहिए। यहाँ इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में मीन्स सीजीएस में, इसलिए इसको हमें
एस आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होल स्ट्रेंथ एम की वैल्यू एम्पियर इंटू मीटर में मीन्स ये एस आई सिस्टम है, ठीक है, एस आई पद्धति में है। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, और चेंज के लिए क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 31.4 अपॉन क्या कर देंगे 100। इस प्रकार से ये हो जाएगा 0.314 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद ये सोचेंगे, अब हमको फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब होता है कैपिटल एम, ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रूल बताया, मेथड बताई, कुछ रूल फॉलो करिए तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे जल्दी बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, सेकेंड उस क्वेश्चन को आराम से फिर से पढ़िए, थर्ड अब उस क्वेश्चन में जो जो न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है उसको फिजिक्स के नोटेशन के रूप में लिखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ 2 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, क्वेश्चन इजी है, आसान है, इसलिए लग सकता है कि अरे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2 बार क्यों पढ़ रहे हैं। ये रूल जो हम बतला रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हैं, अगर बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं, उसके लिए मेथड है, क्वेश्चन कोई भी रहे थे अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे जरूर बनेगा, हो नहीं सकता ना बने। तो आपने पढ़ा, अब थर्ड पॉइंट में लिख दिया क्या कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको फिजिक्स के नोटेशन में लिख दिया, और लास्ट में क्या लिखना है, आपको फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है वो आप लास्ट में लिख दीजिए, जैसे हमने लिख दिया है M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में गिवन मतलब नोन और अननोन टर्म है, मतलब ज्ञात और अज्ञात पद हैं, जो मान हमको दिए हैं, जो वैल्यूज गिवन है वो नोन में आएगा और जो निकालना है वो अननोन में आएगा, ठीक है। अब आपको सोचना है फिजिक्स में रिलेशन बिटवीन नोन एंड अननोन फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब भौतिकी की ज्ञात और अज्ञात राशियों के बीच में एक संबंध, ज्ञात और अज्ञात भौतिक राशियों के बीच में संबंध, जो हमारे पास ज्ञात है और जो अज्ञात है उनके बीच में, सोचिए कोई ना कोई फार्मूला जरूर होता हुआ होगा, पढ़ा होगा आपने, वो फार्मूला हमें सोचना पड़ेगा और फिर उसको लिखना पड़ेगा। वही फार्मूला क्या है, की फार्मूला है, वही फार्मूला आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोचना क्या, आपको एक ऐसा फार्मूला जिसमें 2L भी होता हो, स्मॉल m भी होता हो, कैपिटल M भी होता हो, ठीक है। अगर ऐसा फार्मूला आप सोच पाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बच जाएगा। अब फार्मूला हमें सोचना है, तो जैसा ही सोचेंगे आप कि 2L, M और कैपिटल M के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तुरंत आपको याद आएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फार्मूला आपने पढ़ा था, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ये फार्मूला तुरंत हम लिखेंगे, ये देख लीजिए, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ये फार्मूला आपको अगर पता है तो इससे आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं इसमें। अब यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 0.5, और 2L की वैल्यू है 0.314। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0.15
सेवन यूनिट लिखना पड़ेगी एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से ये नॉर्मल पोजीशन में कैपिटल एम की वैल्यू निकल आए। कैपिटल एम मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कंप्लीट मैग्नेट। इस प्रकार से ये फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, बहुत आसान है। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, आप चेक कर सकते हैं। देखें ये 2L यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ थी, अब ये डिवाइड होकर के L हो जाएगी। ये देखिए L और ये L, जबकि इसके पोल्स की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वह सेम है, इसलिए इनकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो M ही होगी। इस प्रकार से ईच पार्ट का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा यहां पर बोला जा सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पार्ट, हिंदी में प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण। अब ये बदला हुआ होगा, इसमें क्या क्या है, M के रिप्लेस में हमें क्या लगाना है, M ही लगाना है, क्योंकि देखिए ये वैसा ही है, इसमें नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपिटल M देख रहे हैं, ये कैपिटल M है, सॉरी स्मॉल M है ये, तो ये पोल स्ट्रेंथ है, विड्थ उतनी ही है, इसलिए M के बदले क्या होगा, M ही होगा। जबकि अगर हम बात L की करेंगे तो यहाँ पर 2L जो लिखा हुआ था उसके रिप्लेस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्मॉल L लगाना पड़ेगा। अब जा करके जो मैग्नेटिक मूवमेंट, ये देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पार्ट कैपिटल M डैश ले लीजिए, क्योंकि M निकाल चुके हैं, चेंज है ये, इसलिए M डैश ले लेते हैं। M इज इक्वल टू M इंटू 2L होता है। अब M के बदले क्या लगाना अपन को, M ही लगाना है, और 2L के बदले कितना लगाना है, L लगाना है। इस प्रकार से देखें इसको, अगर और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2L के फॉर्म में एडजस्टमेंट करिए, 1/2 M इंटू 2L, क्लियर है। देखिए यहाँ ऊपर 2 और नीचे 2, दोनों क्या हो सकते, कैंसिल हो जाए, एम इंटू 2 एम इंटू एल को हम लिख सकते हैं हाफ एम इंटू कितना 2L। यहाँ पर एम इंटू 2L, बताइए एम इंटू 2L जो लिखा हुआ है ये वाला, ये अपन पहले देखा है, ये देखिए ये क्या है, ये एम इंटू 2L क्या है यहाँ पर, ये कैपिटल M की वैल्यू। इस प्रकार से क्या जाएगा अपना, कैपिटल M डैश इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M। मींस क्या हुआ, जितना मैग्नेटिक मूवमेंट पहले था फुल मैग्नेट का, मतलब कंप्लीट मैग्नेट का जितना था, अगर इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये केस सेकंड था। अब केस थर्ड में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर अपनी इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, इसको हमने कैसा कट कर दिया है, इस प्रकार से लंबा कट कर दिया है टू पार्ट में, तो इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हम देखेंगे कि इसकी पोल की जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये वाली, ये जस्ट हाफ हो जाएगी, इसकी पावर हाफ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ एम के बदले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एम बाई टू लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से फिर से ये क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पार्ट इस वाले केस में कितना आएगा, यहाँ पर हमें M के रिप्लेसमेंट में कितना लेना पड़ेगा, M बाई टू लेना पड़ेगा, और 2L के रिप्लेसमेंट में 2L ही लेना पड़ेगा। इस प्रकार से अब हम लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वही ईच पार्ट कैपिटल M डबल डैश कर लीजिए, अब आएगा M इंटू कितना 2L, यहाँ पर M की वैल्यू कितनी है,
एम की वैल्यू है एम बाई टू, और टू एल की मतलब कितना है टू एल। ये आप एम बाई टू का टू बाहर कर लीजिए और अंदर कितना रहेगा ये एम इंटू टू एल। फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या था ये वाली वैल्यू है m इंटू टू एल, किसकी वैल्यू है देखिए ये कैपिटल M की ही है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वैल्यू लगा देंगे हम तो आ जाएगा 1 बाई टू और कैपिटल M, ये देखिए M डबल डैश, ये देख रहे हैं मतलब क्या हुआ। यहाँ पर वास्तव में दोनों केस चेक करिए, चाहे हम मैग्नेट को ऐसा डिवाइड करें या फिर ऐसा डिवाइड करें, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये टू केसेस थे यहाँ पर। ठीक है, कितने केसेस हैं, टू केसेस, और फर्स्ट वाला मिला के थ्री हुए, जबकि अपने क्वेश्चन में कितने केस हैं, फोर केस हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ केस क्या कहता है। ठीक है, फोर्थ केस के लिए हम फिर से देखेंगे। अब देखेंगे फोर्थ केस, इसमें देखिए मैग्नेट को बेंड करके सेमी सर्कल बना दिया गया है। ये देखिए यहाँ से ये वाला पोल ये है एन, ये वाला पोल है एस। क्लियरली आप लोग देख रहे हैं कि पोल की विड्थ सेम है, चेंज नहीं हुई है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। जबकि यहाँ से लेकर के ये 2L है, क्या है ये 2L, और इस 2L की वैल्यू कितनी है, 2L की वैल्यू यहाँ पर चेक करें, यहाँ से सेमी सर्कल है, सर्कल की जो परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस होती है, वह कितनी होती है 2πr, तो हाफ के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई आर, मतलब यहाँ पर ये 2l किसकी वैल्यू होगी, पाई आर की होगी। जबकि हम इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, लेंथ बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, या यूं कहा जाए लेंथ बिटवीन n एंड s पोल, एन ध्रुव और एस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम उस चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ठीक है, लेंथ बिटवीन ए डिस्टेंस बिटवीन एन पोल एंड एस पोल इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करें इफेक्टिव लेंथ के रूप में क्या होगा, एन डिस्टेंस एन से एस की जो होगी वह एक्चुअली में क्या है, ये है डायमीटर, सर्कल का डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2R, डायमीटर D से डिनोट करते हैं, लेकिन किसके इक्वल होता है ये 2R। तो इस प्रकार से अगर हमको 2R का पता चल जाए तो हमको इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगी, इफेक्टिव लेंथ मतलब लेंथ बिटवीन N एंड S, N और S के बीच की दूरी कितनी है ये है पता लगाने है। और ये किससे लगाएंगे, जो ऊपर दिया गया है पाई आर इज इक्वल टू 2L। चलो सॉल्व करते हैं इसको, यहां पर पाई आर इज इक्वल टू 2L, तो आर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 2L अपॉन पाई। ये देखिए अब ये आर की वैल्यू है, तो फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए 2R की, तो 2R की कितनी हो जाएगी 4L अपॉन पाई। अब हमारी कंडीशन क्या होगी, फिर से मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, पूरा वैसे ही लिखना है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट या सेमी सर्कल मैग्नेट। ठीक है, यहां पर फिर से लिखना है, इसको हम एम ट्रिपल डैश बोल सकते हैं, एम ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू 2L। अब यहां पर वैल्यूज कौन कौन सी है ये देखिए,
एम की रिप्लेसमेंट में हमें क्या लिखना है, ये एम ही लिखना है, ये आया एम। जबकि हमको 2L के रिप्लेस में, बोलिए 2L के रिप्लेस में हमें क्या लिखना है, 2L के रिप्लेस में हमें लिखना होगा ये 2R, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, N से S तक की जो डिस्टेंस है वो लिखनी पड़ेगी, मींस 2R। और 2R की वैल्यू कितनी है बोले 4L अपॉन पाई। अब ये वैल्यू लगाएंगे हम, यहां पर लिखेंगे रिप्लेसमेंट इसके बदले 2L आ जाएगा 4L अपॉन पाई, या 2R भी लिख सकते थे, उसके बाद भी लिख सकते थे 4L अपॉन पाई। अब लिखना है फार्मूला फिर से वही M ट्रिपल डैश, ये वैल्यू कहाँ लगानी, इनमें लगानी है, इज इक्वल टू क्या होगा स्मॉल m इंटू कितना 4L अपॉन पाई। 4L को फैक्टर डिवाइड करो 2 इंटू 2, 2 को अलग से लिख देते हैं और ये पाई भी है इसको बाहर लिख देते हैं। अब कितना बचेगा यहाँ पर बोले, यहाँ आएगा m और 2 बाहर हो गया तो 2 बचेगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 2L। फिर से देख सकते हैं ये कितना आ गया, m इंटू 2L क्या है, कैपिटल M है, यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई इंटू कैपिटल M। किसके इक्वल है ये M ट्रिपल डैश के इक्वल है। इस प्रकार से यहाँ पर फोर्थ एंड लास्ट केस में हमने क्या निकाला कि M ट्रिपल डैश मींस मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट वो कितना होगा 2 अपॉन पाई, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चन अगर आता है तो पूरा सॉल्व ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आया तो आप लोगों को डायरेक्ट भी इस बात को अपने रिमेम्बर बोर्ड पर फीड कर देना है। अगर हम बात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की करते हैं तो यहाँ पर हमें एम की वैल्यू अगर याद है तो की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे और आगे वैल्यू निकालते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एम फर्स्ट टोटल बार मैग्नेट के लिए हमने एम कितना निकाला, एम इज इक्वल टू 0.157 एम्पियर इनटू मीटर। सेकंड हमने सेकेंड केस के लिए निकाला एम डैश इज इक्वल टू हाफ हो जाता है, मीन्स इसका जस्ट 1/2 इंटू 0.157 डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे आएगा 0.0785 आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात थर्ड की करेंगे तो थर्ड में भी m by 2 भी आया था, मीन्स m डबल डैश की वैल्यू भी कितनी ही आएगी 0.0785। यहाँ एम्पियर इंटू मीटर आपको लिखना नहीं होगा, एम्पियर इंटू मीटर। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है सेमी सर्कल के लिए एम ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई मीन्स 3.14 और एम की वैल्यू कितनी है 0.157। इसको कट करेंगे तो पूरा सॉल्व करने पर आएगा 0.1 एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये देखिए रिपोर्ट केस, और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि कोई बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एम है। अब इसको बाइसेक्ट किया जाता है, मतलब टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, टू पार्ट में डिवाइड करने पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा, एम बाई टू हो जाएगा, ये हाफ करने पर, चाहे वो हाफ, ठीक है, वन बाई टू करने पर कितना हो जाएगा, वन बाई टू ही हो जाएगा। बट अगर इसको हम फोल्ड करके कैसा कर देते हैं, सेमी सर्कल कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं, आंसर क्या देना होगा हमें, ये वाला आंसर देना होगा। डायरेक्ट बोलना होगा कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट का कितना, वन अपॉन टू पाई टाइम्स, ये टू अपॉन पाई टाइम्स हो जाएगा, मीन्स टू अपॉन पाई इंटू एम। एम का कितने टाइम हो जाएगा, टू अपॉन पाई, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए डायरेक्ट आप लोग ये इस प्रकार से ट्रिक में याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर एम है तो उसको बाइसेक्ट किया जाए, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। बट अगर उसे हम सेमी सर्कुलर फोल्ड कर देते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, जितना प्रीवियस पहले था उसके मुकाबले कितना हो जाएगा, टू अपॉन पाई टाइम्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक न्यूमेरिकल था। आप लोग और भी ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं और सोच सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही, कल फिर से मिलेंगे।